से पानी बाहर जाता हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, अच्छा समझ रहे हो, वही मुंह में आपने क्या किया बाहर निकाल। छोड़ दो, सादा सबको पता है ना, सादा पानी में डूबना अच्छा पोहा बनते हैं, ज्यादा पानी में ज्यादा तो क्या कर, समझ रहे हो ना क्या करते हो आप लोग, उसमें से भी पानी निकालो, उसको चाय ज्यादा पसंद है तो क्या करो, झगड़ती जो आप उसको फिल्टर करते हो, दैट इज नथिंग बट द यूएस ऑफ, ठीक है। सो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इट इज एवरीवन इज अवेयर ऑफ कि पानी बहुत कम मात्रा में हो है, धीरे धीरे पानी का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है, समुद्र में है। तो समुद्र में आपके पास जो पानी है वो कैसा है, सॉल्ट व्हाट अबाउट द सॉल्ट गाइस, सिलियम है ना, दैट इज व्हाट सिलियम। अभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे जाके समुद्र में प्यास लगी तो पानी पी लोगा, पॉसिबल है क्या? सो व्हाट इज द ऑप्शन यू हैव, आप क्या करोगे, किसको मैं बोलूंगी हाई कॉन्सेंट्रेटेड माई करें, अगर आपने ग्लास में थोड़ा सा नमक डाला तो पी लोगे राइट, हाँ या ना, थोड़ा सा नमक डालोगे तो पी लोगे, मैंने बोला इतना नमक डालना एक ग्लास में तो पीएमएल भी हो गया, अभी मैंने बोला उसमें से पानी निकाल के फिर वापस रिडक्शन हो गया, कुछ नहीं कर सकते, रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, समुद्र का जो H2O है, ठीक है, समुद्र का जो H2O है विच इज कमिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेटेड टू लो कॉन्सेंट्रेटेड, हाई कॉन्सेंट्रेटेड टू लो कॉन्सेंट्रेशन, क्या लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें नमक लो कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से मोर नाइट्रोजन, यहाँ पे ही रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअली यूज होता है। इज इट रियली पॉसिबल टू डू दिस, नॉर्मल लेवल पे पॉसिबल, जैसे हम मुंह बिगाड़ते हैं राइट, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस पॉसिबल नहीं है। आप वहां पे गए, आपने कपड़ा रखा और आपको पानी मिल गया, कपड़े के ऊपर जैसे मानो पतले के ऊपर कपड़ा रखा, अंदर का पानी निकाला, एसपीएम भी रखा आपने, निकालने हो गया, मिलेगा क्या ऑलवेज, क्यों, सारे तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी भी बोला था यू हैव टू मेंटेन दी प्रेशर, दैट इज योर ऑस्मोसिस। आपको एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट हाइड्रोस्टैटिक व्हिच इज पुशिंग द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, इसी को हम क्या बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, वन से की ऑस्मोटिक प्रेशर स्प्रिंग्स, ठीक है। सो हियर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज फोर्सिंग द सॉल्वेंट पार्टिकल, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू जो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू स्लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय